हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अफोर्डेबल कुर्ता का हॉल और रिव्यू लेकर आई हूँ, जिसे मैंने परचेस किया है मिंत्रा से। वन ब्रांड हॉल है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना मुझे कैसा रिसीव हुआ है। एंड प्लीज़, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि मुझे कैसे रिसीव हुई थी। मुझे ये जो ब्राउन कलर की जो पैकेट आती है उसमें मुझे रिसीव हुई थी। ये जो तीनों कुर्ता है मुझे एक ही पैकेट में रिसीव हुई थी, जो भी है मिंत्रा फैशन विथ अ साइट ऑफ फन। एंड एक ही दिन मुझे रिसीव हुई थी। और ये जो फर्स्ट कुर्ता है येलो कलर की है एंड अनाक ब्रांड की है। एंड मैंने प्राइस डिटेल भी आपको वहाँ पे डिस्प्ले में डाल दिया है। एंड मुझे कितने में रिसीव, इसकी प्राइसेस अप एंड डाउन होते रहती है, सो प्लीज़ आप लोग चेक कर लेना मुझे कितने में रिसीव हुई थी। मैंने वहाँ पे डिस्प्ले में लगा दिया है। मुझे 559 रुपीज़ में मुझे रिसीव हुई थी। एंड ये मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ मुझे मैं यहाँ पे आपको खोल कर दिखा रही हूँ कि मुझे कैसी रिसीव हुई है। सो सबसे पहले मैं आपको उसके फैब्रिक के बारे में बता देती हूँ। ये जो फैब्रिक है ये कॉटन, बिल्कुल लाइट वेटेड टाइप की फैब्रिक है। ये कॉटन बिल्कुल कॉटन भी नहीं है, ये रेयन और कॉटन में जो मिक्स वाली जो लाइट फैब्रिक होती है उस टाइप की है। एंड इसकी साइज़ मैंने एक्सेल ली है, आप अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। मेरी तो एडवाइस है कि आप अपने अकॉर्डिंग ही लो, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लो, अपना वहाँ पे साइज़ चार्ट चेक कर लो एंड देन परचेज करो। एंड मुझे कितने में रिसीव हुई थी मैंने वही आपके डिस्प्ले में लगा दी है। ये मत बोलना मुझे बाद में कोई भी कि आपने मुझे फ्रॉड ही किया है कि इतने में आपको रिसीव हुई है। लेकिन इसकी प्राइसेज अप एंड डाउन होती रहती है। एंड इसकी नेक के बारे में बात करती है, राउंड नेक की है। एंड इसमें तीन बटन लगे हुए हैं, ठीक है। तीनों बटन सिर्फ डिज़ाइन के तौर पे है, ऐसा नहीं है उसे लॉक वॉक करने वाला। बिल्कुल आपको यहाँ पे नेक क्लियर हो रही होगी। एंड ये फुल स्लीवलेस, मतलब कि बहुत डीप स्लीव्स है। मेरी एक्सेल है तो मुझे तो यहाँ पे शो आउट हो रही थी, बट अगर आप अपने साइज़ के हिसाब से लोगे तो बिल्कुल ही शो आउट नहीं होगी। आप अंडर आर्म्स बिल्कुल भी शो आउट नहीं होगी, आपके साइज़ के अकॉर्डिंग ही रहेगी, ठीक है। तो मुझे तो लूज़ हो रही थी इसलिए ज़्यादा शो आउट हो रही थी। सो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने इसे ऑल्टर करवा लिया है, बिल्कुल फिट हो गया है, ठीक है। और अब अपने हिसाब से आप लोग देख लेना। और इसकी प्रिंटेड की बात करें, बिल्कुल फेड आउट नहीं होने वाली है। मैंने इसे एक बार वॉश भी किया है, मैंने वियर भी किया, उसके बाद वॉश किया, उसके बाद मैं आपसे एक्सपीरियंस भी, एक तरह से एक्सपीरियंस भी है क्योंकि लेट वीडियो है पोस्ट कर रही हूँ मैं। एंड ये वाइट रेड, वाइट ब्लैक और येलो में है। येलो तो पूरा उसका ये बेस है और उसमें प्रिंटेड डॉटेड वाइट में इसके डिज़ाइन है। सो अगर कोई भी लेना चाहता है तो आप लोग उसके साथ जा सकते हो। सो नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक और कुर्ती का रिव्यू शेयर कर रही हूँ, जिसे मैंने 479 रुपीज़ में परचेज़ किया है। मैं वहाँ पर डिस्प्ले में भी लगा दूँगी मुझे कितने रिसीव, इसकी प्राइसेज अप एंड डाउन होती रहती है मिंत्रा पे। एंड ये प्राइस के लिए वर्थ इट है, मतलब कि इतनी इसकी एकदम प्योर, इसकी फैब्रिक क्लॉथ्स की बात करें तो बहुत गर्दा वाला है, बिल्कुल प्योर है। एंड इसे भी मैंने वही रेड वाले लेगिंग्स के साथ मैंने पेयर अप किया है, और आप लोग अपने अकॉर्डिंग से पेयर अप कर सकते हो। इसकी भी एग्जैक्ट 5.8 इसकी मॉडल ने वियर किया था, और मेरे 5.4 है, तो मॉडल को तो वो नी से थोड़ी सी नीचे हो रही थी, मुझे एंकल से एक बिता ऊपर हो रही थी। आप लोग क्लियर हो रही होगी मेरी बॉडी को देख कर कि कितनी इसकी लेंथ है। और ये बहुत 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 मस्त लग रहा था इसको वियर मैंने जब किया था तो। एंड इसकी नेक भी वही है, गोल वाली नेक होती है। एंड जस्ट गोल नेक के नीचे आपको यहाँ पे ब्लू कलर की लाइनिंग भी दिखेगी। एंड वो जो लाइनिंग ब्लू कलर की है वो आपके नीचे जो स्कर्ट में नीचे जो होती है ए लाइन जो रहती है उसमें भी आपको दिखेगी दोनों साइड्स। एंड ये जो लाइन है ना यहाँ पे जो नेक के नीचे जो है उसमें ना डिज़ाइन वाली लाइनिंग है, ठीक है। ये नेट वाली जो लाइनिंग होती है इसमें आपको क्लियर हो रही होगी, मैंने यहाँ पे डिस्प्ले में भी लगा दिया है। एंड और ये जिगजैग वाली है डिज़ाइन। एंड ये वाइट कलर की, वाइट एंड सिल्वर वाली डिज़ाइन है इसके अंदर। सो अगर कोई भी अगर लेना चाहता है तो आप लोग उसके साथ जा सकते हो। एंड अगेन ये स्लीवलेस है। एंड
ये भी मेरी साइज़ एक्सेल मैंने परचेज़ किया है, आप तो अपने साइज़ के हिसाब से ही लेना, साइज़ चार्ट चेक कर लेना। एंड इसकी प्राइसेस अप एंड डाउन होती रहती है। अगर प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो यार, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। एंड दिस इज़ द लास्ट कुर्ता एंड दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम द अनाक ब्रांड एंड द प्राइस ऑफ दिस कुर्ता इज़ 389 रुपीज़। इट ऑल्सो कम अंडर द 500 रुपीज़। एंड लुक एट द कुर्ता, दिस इज़ माई फेवरेट कुर्ता, मतलब तीनों मेरा फेवरेट है, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज इसकी जो डिज़ाइन जो बहुत खिल रही थी बॉडी पे जब मैंने इसे वियर किया था तो। एंड ये स्लीवलेस है, ये राउंड नेक है, बट इसमें हल्का सा बोट वाला फिनिश नेक पे आ रहा था। एंड इसकी जो तीन जो बटन्स लगी हैं, ये तीनों बटन्स सोपिस टाइप की है, लगने वाली बिल्कुल भी नहीं है। एंड ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल टाइप में जो जिगजैग में जो ब्लैक में और वाइट में हल्की सी ब्लूइश में इसमें डिज़ाइन दी हुई है एंड इट लुक्स ऑसम। इसे भी मैंने लेगिंग्स पे वियर किया है, रेड कलर के लेगिंग्स पे वियर किया है। आप इसे, इट्स अप टू यू, आप इसे कैसे वियर करते हो। एंड या आप लोग इस साथ जा सकते हो, आप लोग ऑफ़र को कैच करते रहना मिंत्रा पे और हाँ ले सकते हो, बहुत अच्छी कुर्ती है। एंड अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल भी ना भूले। एंड प्लीज़ सपोर्ट टू माय चैनल्स टू ग्रो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो वंस अगेन। थैंक यू एंड लव यू टू ऑल माय व्यूअर्स। थैंक यू।